नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में मानस का हंस इस उपन्यास का या इस उपन्यास की शुरुआत की थी, उसके पात्र, उसका परिचय देखा था। लगभग उपन्यास की जो कथा है, तुलसीदास की घर छोड़ने की जो बात है, वहाँ तक आ गई थी। यानी तुलसीदास एक अंधेरी रात में अपने घर यानी ससुराल में अपनी पत्नी एवं अपने बेटे को मिलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बातों ही बातों में उनको ये एहसास हो जाता है कि उनका जो मन है, जो राम भक्ति में न होकर संसार में या अपनी पत्नी में, अपने बेटे में यानी अपने स्वार्थ में डूब गया है, और इस कारण उनको विरक्ति होती है और वे चुपचाप अपना घर छोड़कर उसी तूफानी रात में चले जाते हैं। और नदी के किनारे किनारे के तट पर वे चले जा रहे हैं। सुबह के 12 बजे तक वे निरंतर चलते चलते इतने थक जाते हैं होते हैं कि वे बेहोश हो जाते हैं, उनके पैरों में छाले आ जाते हैं और एक जगह पर वे गिर जाते हैं। वहाँ पर एक स्त्री उनकी मदद करती है, मदद करना भी चाहती है। वहाँ पर जब वो इनको होश आता है, थोड़ा बहुत होश आता है, लेकिन इनके शरीर में ऊर्जा न होने के कारण वे कुछ कह नहीं पाते। इस कारण वे, उनको लगता है कि राम जो है यानी उनके जो भगवान हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं स्त्री को सामने लाकर, इसलिए उस स्त्री को ये मदद करने नहीं देते। फिर से वे जब बेहोश हो जाते हैं तो वह स्त्री इनकी मदद करती है। जब इनको होश आ जाता है तो वह वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, जब तुलसीदास घूमते घूमते अयोध्या में चले जाते हैं, अयोध्या में कुछ दिन रहते हैं, और वर्तमान में यह जो कथा है वह अपने शिष्य बेनी महादेव और रामू को बता रहे हैं या सुना रहे हैं। बेनी महादेव जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति है, जिनका मन काम वासना को दूर नहीं कर पा रहा है, और उनकी एक अलग सी छोटी सी कथा आई है। जब वे यौवन में थे, एक स्त्री ने उनके साथ प्रेम संबंध बनाने की कोशिश की थी, तब इन्होंने उसका विरोध किया था, और तब से लेकर अब तक इनके मन में वह काम वासना उत्पन्न होती रहती है। उस प्रसंग को ये भूल नहीं पा रहे हैं और इस कारण हमेशा वे द्वंद्व में रहते हैं, और तुलसीदास उससे निकलने का मार्ग वह बेनी माधव को बताते रहते हैं। और दूसरे जो शिष्य रामू हैं, जो इनके अनन्य भक्त हैं और जो अपने गुरु की सेवा के सिवाय और कुछ नहीं जानते, उन्हें और कुछ सुनना भी नहीं है। रामू का विवाह भी तुलसी करवा देते हैं एक सुशील सुंदर लड़के के साथ। तुलसीदास अयोध्या में कुछ दिन रुकते हैं, जहाँ उनका बहुत नाम होता है। हर तरफ तुलसी की चर्चा, उनके कीर्तनों की चर्चा, उनके प्रवचन की चर्चा, उनकी कथा यानी राम या राम भक्ति कथा सुनाने की जो बात, उनके गायन की चर्चा हमेशा अयोध्या में होती है। इस कारण उनके थोड़े से दुश्मन भी निर्माण होते हैं, उनसे जलने वाले पंडित भी निर्माण होते हैं। जिस तरह प्रशंसक निर्माण होते हैं, उसी तरह शत्रु भी निर्माण होते हैं, और उनके कीर्तन प्रवचन सुनने के लिए हमेशा भीड़ इकट्ठा होने लगती है। तुलसीदास जब रामचरितमानस लिखने के लिए बैठ जाते हैं या रामचरितमानस लिखने की योजना बना लेते हैं, तब उनके ऊपर तरह तरह के संकट भी आते हैं और उन संकटों का वह सामना भी करते हैं। ठीक है, उनके द्वारा लिखी कृतियों को चुराने का या उनका जो रामचरितमानस है, उनका जो रामायण है, वह जब वे लिख रहे थे तो उसकी प्रतियां चुराने का भी प्रयास उनके शत्रुओं ने किया था। लेकिन जब मठ में रहते हैं तो वहाँ के वानरों ने, वहाँ जब चोर आते हैं तो वानरों ने उनको घायल कर दिया, अर्थात वानरों ने उनकी रक्षा की। तो तुलसीदास का मानना है कि हनुमान जी ने उनके राम भक्तिमय रामायण की जो सुरक्षा की थी, उस प्रति की सुरक्षा या उस पांडुलिपि की सुरक्षा की थी। ठीक है, तुलसीदास को बदनाम करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। एक बार तो एक गर्भवती स्त्री को बहला पुसला कर तुलसीदास के पास जाने के लिए विवश कर दिया जाता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वह तुलसीदास का है, यानी बदनाम करने के लिए। लेकिन तुरंत ही उस स्त्री का या जिन लोगों ने ये किया है उसका रूप सामने आ जाता है और तुलसीदास निर्दोष जो साबित हो जाते हैं। ठीक है, उनका जो दुश्मना का जो डाव है वह वहाँ पर असफल हो जाता है, अर्थात तुलसी का जो संघर्ष है बहुत ही अलग है। और तुलसीदास को जब ये लगता है कि भाई यहाँ पर
बैठकर ये जो मेरा रामायण है या रामचरितमानस मेरा लिखना सफल नहीं हो सकता, तो तुलसीदास वहाँ उस अयोध्या को वह त्याग देते हैं और वहाँ से वे काशी चले जाते हैं, जहाँ पर तुलसीदास के लिए कुटिया बनाई जाती है और वहाँ पर उनके अलग अलग मित्र भी हैं। कैलाशनाथ है, मेघा भगत है, राजा टोरडमल है, और वे उनके लिए एक अच्छी सी कुटिया जो शांत वातावरण में हो और वहाँ पर बैठकर ये अच्छे से रामचरितमानस लिख सके, तो इस तरह व्यवस्था की जाती है। वहाँ पर भी तुलसीदास के बहुत सारे शत्रु जो बन जाते हैं, जो तुलसीदास की कुटिया को जलाने का प्रयास भी करते हैं और वहाँ पर भी वे सुरक्षित नहीं है। हालांकि राजा टोरडमल उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। इस बीच एक बार तुलसी को मिलने रत्नावली आ जाती है, किंतु तुलसीदास उसे चकमा देकर भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब रत्नावली उनसे मिलने आ जाती है, जब वे मठाधीश बन जाते हैं तब भी रत्नावली आती है। दो बार इस जीवन प्रक्रिया में यानी तुलसी के घर छोड़ने की घटना से लेकर अभी तक यानी मृत्यु तक के समय में सिर्फ दो बार तुलसीदास और रत्नावली की भेंट हुई है। एक भेंट ऐसी होती है जब रत्नावली एवं तुलसीदास के पुत्र की जो मृत्यु होती है और पुत्र को देवी निकली है और देवी निकलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, और रत्नावली का कहना है कि अभी तो वह अपने बेटे या अपने पुत्र को देखकर जी रही थी, लेकिन अब किसके सहारे वह जिएगी। इस तरह का रोना वह अपने पति के सामने उस पति के पैर पकड़कर वह कहती है, रोती है, लेकिन तुलसीदास का मन पूरी तरह राम भक्तिमय हो गया है, तो वह उस रत्नावली के आंखों के आंसू तुलसीदास को समझ नहीं आते हैं और तुलसीदास उनको चकमा इस तरह देते हैं कि मैं अभी जाकर अपने लिए खाने का जो कुछ प्रबंध करता हूँ, आप यहाँ ठहरो, ऐसा कहकर वह बाहर निकल जाते हैं और उस कुटिया से या उस गांव से, उस स्थान से वह भाग निकल जाते हैं सभी को छोड़कर। तो ये पहली घटना थी। और दूसरी घटना, जब वे मठाधीश बनते हैं तो मठाधीश बनने के बाद जब राजा भगत के साथ रत्नावली उनसे मिलने आती है, लेकिन तुलसीदास उसके चेहरे को भी देखते नहीं है, पर्दे में से बातें करते हैं। तुलसीदास के मठ में कुछ दिनों तक रत्नावली रहकर खाने पीने का सभी व्यवस्था का वह ख्याल रखती है, खाना बनाती है, सबकी सेवा भी करती है, लेकिन तुलसीदास का जो मन है टस से मस नहीं होता। वह रत्नावली को दोबारा अपनाना नहीं चाहते, उसको एक बार त्याग दिए तो त्याग दिए, और वे उसको पर्दे में से बातें करते हुए ये भी कहते हैं कि वे राजापुर लौट चले जाए। तुलसीदास के सामने रत्नावली तब यह अंतिम एक शर्त रख देती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा, जब मेरा अंतिम समय आएगा या मेरे अंतिम समय में आपको मुझे अंतिम दर्शन देना होगा तभी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और इस वचन के साथ वह चली जाती है अपने गांव राजापुर के लिए, और तुलसीदास वचनबद्ध होते हैं। और जैसे कि हमने उपन्यास के शुरुआत में कहा था कि तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली के अंतिम समय में उसको दर्शन देने के लिए आते हैं, और जैसे ही दर्शन होता है रत्नावली अपना जो प्राण है, अपना जो प्राण त्याग देती है, अपना प्राण छोड़ देती है। ठीक है, तो यह बात उस घटना के पीछे रही है। रत्नावली अपने पति का अंतिम दर्शन करना चाहती थी, वह उसने किया और प्राण त्याग दिया। ठीक है, रत्नावली के मृत्यु के पश्चात भी बहुत दिनों तक तुलसीदास जीवित रहे हैं और तुलसीदास का नाम अब बहुत हो चुका है। उन्होंने बहुत सारी काव्य रचनाएं भी की है और रामचरितमानस के कारण तो काफ़ी उनकी जो प्रसिद्धि उनको मिली हुई है। हर तरफ तुलसीदास का दर्शन करने के लिए लोग, उनके भक्त, उनके शिष्यगण वहाँ पर आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, और अंतिम जो समय है एक बार वहाँ पर या उस स्थान पर काशी में वहाँ पर बहुत सारी महामारी जो फैल जाती है, और महामारी फैलने के कारण तुलसीदास वहाँ के अलग अलग स्थानों से नौजवानों को इकट्ठा करते हैं, पहलवानों को इकट्ठा करते हैं और महामारी से लड़ने की योजना बनाते हैं और महामारी से बाहर निकलने के लिए बहुत सारा संघर्ष भी करते हैं, लोगों को भी बचाने का काम करते हैं।
तो तुलसीदास के रामचरितमानस की अब अलग अलग प्रतियां बन चुकी है। उसके पाठ को लेकर काशी में तान तनाव भी होता है। पंडितों में एवं गोसाइयों ने इसका विरोध भी किया है और तुलसीदास ने मथुरा चले जाने के बाद राजा टोरडमल की हत्या की जाती है कुछ पंडितों द्वारा या कुछ दुश्मनों द्वारा जो तुलसीदास के प्रशंसक नहीं थे, जो तुलसीदास के दुश्मन थे, और तुलसीदास की मदद करने के कारण राजा टोरडमल की जो हत्या की जाती है। ठीक है, तो ये बात सुनकर तुलसीदास को बहुत जो दुख होता है, और तुलसीदास ने जो महामारी से निकलने के लिए युवा लोगों को इकट्ठा करके बहुत लोगों की सेवा भी की, और तुलसीदास का जो अंतिम समय है उनको गठिया रोग जैसा हो गया है। हर तरफ शरीर पर कहा जाता है कि उपन्यास में गांठ जैसे अलग अलग गांठी निकल आ जाती हैं और जिसके कारण उनको बहुत तकलीफ होती है, और वे हर तरफ अपने अंतिम समय में भी राम भक्ति में हो गए हैं और अपनी पत्नी को भी याद कर रहे हैं, जो जो पत्नी उनकी भक्तियाँ उस पत्नी के कारण ही उनको ये प्रसिद्धि मिली है ऐसा उनका मानना है, और उस पत्नी के कारण ही वे अपने राम भक्ति में इतने डूब गए हैं और इस कारण वे राम के अनन्य भक्त हो गए हैं ऐसा उनका मानना रहा है। इस कारण अपनी पत्नी को भी वह याद करते हैं, और अब उम्र उनकी 90 साल हो चुकी है। उस तिथि को उनका निधन हो जाता है जिस तिथि के 1 साल पहले उनके पत्नी का निधन हो गया था। श्रावण शुक्ल तीज के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के समय उन्होंने अपनी विनय पत्रिका के अंतिम पद जो बोले हुए हैं, मृत्यु के 10-2-4 दिन पहले उन्होंने अपनी आत्मजीवनी के बारे में बेनी माधव से अमरता का वरदान का जो होता है वह दिया था, और साथ में यह भी कहा था कि लोग इसे नहीं भूल पाएंगे, यानी बेनी माधव को यह आशीर्वाद दिया गया था कि तुम अमर हो जाओगे। अमर होने का अर्थ यह है कि उनकी हाथों से लिखी हुई तुलसीदास की जो जीवनी है बहुत प्रसिद्धि उनको मिलेगी, और उस कारण बेनी माधव जाने जाएंगे और अमर हो जाएंगे। यह आशीर्वाद उन्होंने 10-12 दिन पहले, मृत्यु के पहले दिया था, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है या उनका निधन 90 साल में हो जाता है, श्रावण शुक्ल या श्रावण कृष्ण तीज के दिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये उपन्यास जो है तुलसीदास के मृत्यु के बाद ही अमृतलाल नागर ने उपन्यास को समाप्त किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संपूर्ण उपन्यास समाप्त हो जाता है। आप लोगों को ये संपूर्ण उपन्यास 2 भागों में कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी हमारा एक उपन्यास रह गया है झूठा सच, जिसको हम लेकर जल्द आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। अगर आप लोगों को ये मेरे वीडियो या मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हिंदी से संबंधित नए नए वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाए और आपको मिले और आप हिंदी में सफलता जरूर पाए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।